हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, खबर सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन खबर खबर होती है दोस्तों। तो आज हम बातें करेंगे 100 करोड़ वाली खबर। जी हाँ दोस्तों, दो दिन से ही चर्चे में है कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जो शादी होगी, आज जो हो रही है राजस्थान में, उसका जो फुटेज है उसके लिए OTT प्लेटफॉर्म वाले ने 100 करोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, कैटरीना कैफ एंड विक्की कौशल। अभी मेरे को पता नहीं कि यार 100 करोड़ मतलब कि आप सोच सकते हो 100 करोड़ कमाने में फट जाती है अगले को। हम लोग को तो कमाने में यार लगता है ना कि दो जन्म या तीसरा जन्म भी ले लूँगा ना, फिर भी 100 करोड़ नहीं कमा पाएंगे, रियल बता रहा हूँ। लेकिन एक फुटेज के लिए 100 करोड़, आखिर कौन सी शादी है भाई? तो दोस्तों, कौन सी शादी की बात नहीं, अगर विक्की कौशल शादी कर रहे हैं, हीरोइन कैटरीना कैफ नहीं होती, कोई और होती तो शायद 100 करोड़ क्या 20 करोड़ भी नहीं देता बंदा OTT प्लेटफॉर्म वाला। लेकिन दोस्तों, कैटरीना कैफ की वजह से 100 करोड़ फुटेज को मिल रहा है, यही हो सकता है दोस्तों। और उसकी वजह सिर्फ एक ही चीज़ है दोस्तों, वो है हमारे सलमान खान, बॉलीवुड के दबंग खान। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा ही पिछले वीडियो में भी था और हमेशा कहता हूँ कि सलमान खान की नाम जिस चीज़ में आ जाता है वो चीज़ फेमस हो जाता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, सबको यही पता है कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड है कैटरीना कैफ और आपसे कहलाइए एक्स गर्लफ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, तो जाहिर सी बात है OTT प्लेटफॉर्म वाला तो देगा ही 100 करोड़, क्या यार 150 करोड़ दे सकता था सिर्फ सलमान खान के नाम की वजह से दोस्तों। क्योंकि सबको पता है कि इसकी वीडियो देखने के लिए लोग उतावले होंगे, आखिर किस तरह से शादी हुई, क्या हुआ, कौन सा फंक्शन हुआ, लोग खाने में कौन सा बिरयानी खाएँ या चिकन चिल्ली खाया, क्या खाया, कुछ तो देखने के लिए एक्साइटेड होंगे ही। तो इसकी वजह से OTT प्लेटफॉर्म वाले ने 100 करोड़ दे के वो फुटेज लेने की बात की है दोस्तों। तो आप लोग की क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।